दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आप सभी का कॉन्सेप्ट का खजाना में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग अवकलन बोलते हैं। आप जब बिहार बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन से एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जिसको आप बना करके एक नंबर पक्का प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन से संबंधित मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, इससे संबंधित कई प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मूला है पहला, सूत्र डीवाई डीएक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर पावर वाला को पटकना है, बेस को लिखना है और पावर में वन कम करना है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला है कि डीवाई डीएक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर पावर वाला माथा वाला पावर को पटकना है, मतलब एन को पटकना है। अब बेस को लिखना है तो बेस क्या है, एक्स है, और माथा पर जो पटक दिए थे अब उसमें से एक पट्टी को कम कर देना है, मतलब एन माइनस कितना, वन। फिर से ध्यान दीजिए फॉर्मूला को, डिवाइड डीएक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर पावर वाला को पटकना है, बेस को लिखना है मतलब एक्स को लिखना है, और पावर वाला एन में से वन को कम कर देना है। जब पट्टी को पटकिएगा एगो एन वाला को, तो एगो कम में ना होगा, मतलब हो जाएगा डीवाई डीएक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर एन गुना एक्स के पावर एन माइनस वन। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग प्रश्न देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है कि y बराबर x के पावर 10, तो dy बाई dx बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर सोल्व, y बराबर x के पावर 10, y बराबर x के पावर क्या होगा 10। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां पर हो जाएगा dy बाई dx बराबर dx के पावर 10 बटा में हो जाएगा dx। अभी हम आपको बताए हैं कि dy dx ऑफ एक्स के पावर 10 है, तो पावर वाला को पटकना है, बेस बेस को लिखना है मतलब एक्स को लिखना है, और पावर वाला में से वन पट्टी को कम कर देना है, मतलब 10 माइनस 1। तो हो जाएगा 10 गुना एक्स के पावर 10 में से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9। यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, बढ़िया से समझिएगा। वाई बराबर एक्स के पावर 100, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। बस वही काम करना है, सोल्व वाई बराबर एक्स के पावर 100 क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई
डी एक्स बराबर डी एक्स के पावर 100 बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। पावर वाला को पटकना है, बेस को लिखना है मतलब एक्स को लिखना है, और पावर वाला में से 1 कम कर देना है मतलब हो गया 100 गुना एक्स के पावर 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99। और यही हो गया आपका आंसर। यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इस टाइप से संबंधित और सारे प्रश्न ला सके। तो आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग।